हरी कृष्णा। 14 नवंबर 2021 को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है। संडे को ये शाम 7:30 बजे फाइनल मैच होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छी हैं और फाइनल तक पहुंची है, तो मतलब अच्छी दमदार टीमें ही हैं, इसीलिए फाइनल में दोनों आई हैं। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, कैसा रहेगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के टीम के प्लेयर्स का प्रदर्शन, कार्ड्स क्या एनर्जी शो करते हैं, क्या रहने वाला है और कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, ये तो हम आपको बाद में दूसरी वीडियो में बताएंगे कि मैच कौन सी टीम जीतेगी। पहले हम प्लेयर्स का प्रदर्शन देखते हैं कि कैसा रहने वाला है, कौन सा प्लेयर कितना अच्छा खेल रहा है और कैसा उसका प्रदर्शन है। ठीक है, 14 नवंबर को सबसे पहले हम ले लेते हैं न्यूजीलैंड की टीम से। न्यूजीलैंड की टीम से 14 तारीख को मार्टिन गप्टिल का प्रदर्शन कैसा रहेगा, कार्ड्स प्लीज बताएं। मार्टिन गप्टिल, उनके लिए कौन सा कार्ड आता है, चलिए देखते हैं। ओ वाओ, पहला ही कार्ड बहुत ही बढ़िया, द मैजिशियन का कार्ड है, बहुत मतलब स्किल और टैलेंट का कार्ड है ये तो। और जो कार्ड ने एनर्जी शो की है मार्टिन गप्टिल के लिए, वो बहुत ही शानदार एनर्जी है, बहुत ही बढ़िया बताया उन्होंने तो कि मतलब वो पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, हर तरीके से इस गेम में बेस्ट प्रदर्शन करें अपना। कैन विलियमसन, 14 तारीख के मैच में कैन विलियमसन का प्रदर्शन कैसा रहेगा, ओ माय गॉड द हैंगमैन। ये थोड़ा सा मतलब असमंजस की स्थिति है, तो हम यहाँ अगर एक लाइन में बोलें तो एवरेज रहने वाला है कैन विलियमसन के लिए। डी मिचेल का इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा, ओके ये एक नेगेटिव कार्ड है, तो ही विल नॉट प्ले गुड। डी कॉनवे, जो कॉनवे हैं उनका इस मैच में अच्छी शुरुआत रहेगी, अच्छा प्रदर्शन करने की वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और जो ये कार्ड्स ने जो एनर्जी शो की है वो ये है कि उनका भी बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, मतलब नेगेटिव कार्ड शो नहीं हुआ है, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पे एक जैसे इस कार्ड की एनर्जी है काफ़ी पॉजिटिव, हर तरीके से पॉजिटिव एनर्जी रहती है, लेकिन यहाँ कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं, कुछ नेगेटिव भी रहते हैं, तो ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बेटर ही बोलेंगे, अच्छा रहेगा। ग्लेन फिलिप्स, जो फिलिप्स हैं, ओके ये भी एक नेगेटिव कार्ड है फिलिप्स के लिए, कार्ड ने तो नेगेटिविटी शो की है, ही विल नॉट प्ले गुड। जिमी निशान, निशान जी कैसा करने वाले हैं इस कार्ड में, वाओ। अब देखिए ये जो कार्ड है द स्ट्रेंथ का कार्ड, जैसे ये कार्ड आता है ये कार्ड आता है, इस कार्ड के बजाय इस कार्ड में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत पावर होती है, बहुत ही बढ़िया जो शो करता है ये, तो जो ये निशाम जो है जिमी निशाम, उनके लिए द स्ट्रेंथ का कार्ड आना, मतलब कार्ड ने तो बहुत अच्छा बोला है उनके लिए, काफ़ी अच्छी एनर्जी बताई है। एम सेंटनर, जो सेंटनर हैं उनका इस मैच में ये भी एक नेगेटिव कार्ड है, ही विल नॉट प्ले गुड। एडम मिलने, मिलने का ओके ही विल प्ले गुड। टिम शाउदी जो है, टिम शाउदी का इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा, ओके गुड ही विल प्ले गुड। ई शोडी, जो शोडी हैं उनका इस मैच में एवरेज सा रहने वाला है, फोर ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है वो अगर मतलब उनमें काफ़ी काबिलियत है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी दब जाएगी कहीं ना कहीं, तो वो इतना खुल के शो नहीं होगी जैसे कि प्लेयर की जो योग्यता है, शोडी की जो योग्यताएं हैं वो कुछ हद तक दबी हुई सी रहेंगी, खुल के शायद अच्छे से शो ना हो, कार्ड ने ऐसी एनर्जी शो की है तो एवरेज रहने वाला है, कार्ड्स के अनुसार एवरेज रहेगा। टी बोल्ट, बोल्ट के लिए कार्ड क्या कहते हैं, ओके बैलेंसिंग का कार्ड आया है, तो ये भी बैलेंस में खेलेंगे,
अच्छा रहेगा इनका भी, बैलेंस बना के इनका खेल रहेगा टी बोल्ट का भी, तो ही विल प्ले एवरेज। इस तरीके से हमने न्यूजीलैंड की टीम में देखा जहां दो कार्ड बहुत ही पावरफुल और अच्छे कार्ड्स आए हैं, तीन नेगेटिव कार्ड्स भी आए हैं, दो एवरेज के हैं, एक न्यू बिगनिंग का है, नहीं ये भी एवरेज वाला ही कार्ड है, तो सो सो वाली सी टीम की कंडीशन हमको दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम से कार्ड्स क्या कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए एरन फिंच, 14 नवंबर के मैच में एरन फिंच का कैसा प्रदर्शन होगा, कार्ड्स प्लीज बताएं। ओके, पहला कार्ड एस ऑफ वैंड्स, पॉजिटिव कार्ड, अच्छी भगवान की ब्लेसिंग्स है, गॉड की ब्लेसिंग्स है उनके साथ में और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। एरन फिंच के लिए ही विल प्ले गुड। एम मार्श, जो मार्श हैं उनका, अब ये जो कार्ड है इसके भी दो पहलू हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं इसमें और पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे प्लेयर्स के लिए देख रहे हैं, जैसे कि ये व्यक्ति चतुराई से किसी चीज़ को छीनने की ले जाने की कोशिश करता है, तो वहाँ हम मार्स के लिए ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है वो भी अपने अपनी स्किल से, अपने दिमाग से मैच को अपने फेवर में करने की कोशिश करें और मैच को अपने फेवर में लेके आ जाए, तो ये वहाँ पे एक तरीके से अच्छा उनके लिए माना जा सकता है। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की साइडें हैं, तो हम इसे एवरेज में रख देते हैं, तो मार्च के लिए जो है एवरेज रहने वाला। एम वेड, जो वेड करके हैं, ओके ही विल प्ले गुड। क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड है उनके लिए ही विल प्ले गुड। ए जेम्पा, जेम्पा के लिए कार्ड क्या कहते हैं, द मून, निराशा का कार्ड है ये, ही विल नॉट प्ले गुड। एस स्मिथ, स्मिथ के लिए कार्ड्स क्या एनर्जी शो करते हैं, ओके यहाँ पे जो टेन ऑफ वैंड्स हैं तो ये एक बर्डन का कार्ड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भार का होना, मतलब या तो जैसे ऐसी कंडीशन हो सकती है कि स्मिथ को स्कोर के लिए या रनों के लिए दिमाग पे कोई प्रेशर हो कि मुझे इतने रन बनाने चाहिए अपनी टीम के लिए, तो उस वे में वो खेलेंगे, बर्डन के साथ खेलेंगे, तो एवरेज रहेगा उनका भी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की टेंशन लेके या दिमाग पे प्रेशर लेके जब हम खेलते हैं तो एक नेगेटिविटी से हमारे दिमाग पे हावी हो जाती है जो कि कई बार सही नहीं रहती है, तो यहाँ पे जो ये बर्डन, जब भी बर्डन किसी के माइंड पे होगा तो वो उसको बेनिफिट नहीं कर पाता। जोस हेजलवुड, जोस हेजलवुड का इस मैच में स्ट्रगल, यहाँ पे भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एवरेज रहने वाला है। डी वार्नर, वार्नर का इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा, अगेन स्ट्रगल, वार्नर भी स्ट्रगल करते हुए ही दिख रहे हैं, तो इनका भी एवरेज ही रहने वाला है। एंड स्टोइनिस, जो स्टोइनिस हैं उनका इस मैच में नेगेटिव कार्ड, ही विल नॉट प्ले गुड। पैट कमिंस, जो कमिंस हैं उनका इस मैच में बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, ही विल प्ले गुड। मिचेल स्टार्क, जो स्टार्क हैं उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा, गुड, ही विल प्ले गुड। जी मैक्सवेल, मैक्सवेल का इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा, नेगेटिव कार्ड, ही विल नॉट प्ले गुड। मतलब जो देखिए कार्ड्स ने जो एनर्जी शो की है ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए, तो यहाँ पे एक दो तीन कार्ड तो टोटली नेगेटिव कार्ड हैं, तीन कार्ड स्ट्रगल बर्डन के कार्ड हैं और बाकी चार कार्ड यहाँ पॉजिटिव और अच्छे कार्ड्स आए हैं प्लेयर्स के लिए। तो जो हमें कार्ड्स ने एनर्जी शो की है वही हमने आपसे शेयर की है। थैंक यू सो मच।